माशाल्लाह जाएंगे कमाल, साडा काम की है खब्बे पासे जाना, साडा उधर लैण देण नहीं कोई नहीं बस। हाँ अगर अमल की तरफ देखें तो फिर खब्बा पासा ही बनता है, मगर जाने जानों को देखें फिर सज्जा ही बनता है। सूल अल्लाह लब्बे लब्बे लब्बे, सूल अल्लाह लब्बे 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 या रसूल। तवज्जो, हाँ हाँ हाँ, आप बादशाहों के दरबार में चले जाएं, पहले वक्त हूं तो जा ही कोई नहीं सकता जी, पहले वक्तों में बादशाहों ने बड़े बड़े अमीर लोगों ने सराय बनाए होते थे, रास्ते में जब लोग रात को रुकते थे तो उनमें कैटेगरीज होती थी, VVIP फिर VIP फिर माड़े जे ते फकीर ते रागीर ते, इन वास्ते ए कमरा है, ते जड़े वाह वाह वड्डे वड्डे मेहमान होंदे सन उन्हां वास्ते कमरा भी, खादम भी, नौकर भी, चाकर भी, सारा कुछ जनाब जो है वो फुल ऑप्शन सर्विस होती थी। मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अली फरमाते हैं, मैं हूँ भिखारी मुस्तफ़ा का, मैं हूँ भिखारी मुस्तफ़ा का और जन्नत के मालिक हैं हसनैन करीमैन। तो हर बादशाह अपने ज़र्फ के मुताबिक ही किसी को देता है ना, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक है। अल्लाह दौलत तो बचाए जी, एक बड़ा अमीर आदमी सी ने जी, तो वो उन्हें हीरा रखिया सी, तो एक चूहा उदा हीरा खा गया, उसको जान के लाले पड़ गए, अमीरी गई चूहे के पेट में, उन्हें क्या उन की करिए, उसने शिकारी बुलाए, कहने लगे कि ये चूहा है इधर एक, तो वो मेरा हीरा खा गया, तो मुझे वो हीरा चाहिए, चूहा मारना है जी। वहां हजार चूहा बैठा हुआ था जी, हजार से भी ज्यादा, और एक चूहा ना बिल्कुल साइड पर होकर बैठा हुआ था, शिकारी आया तो शिकारी ने ठक करके उसको जो अलग बैठा हुआ था ना उसको मार दिया, हीरा निकल आया। वो मालिक उससे पूछने लगा, तेनू कहीं में पता चलिया कि एदे पेट ही चे, उन्हें कहा हजूर मसला है वे जो रब बेवकूफा नू ना ते कमीनिया नू दौलत देंदा ना ते ओ लोगों नाल मिलना जुलना छाड़ देंदे ने, ए हजूर ये मैं तवज्जो सुभान ए सुभान सुभान अल्लाह, काम जरब सी दे, देखो दौलत आई थे सारे नो जाके वखरा होके बह गया, पता चलिया ए ये जब काम जरब के पास दौलत आती है ना जी, तो वो दुनिया से अलग थलग हो जाता है, और जब अल्लाह किसी फकीर को दौलत देता है वो कहना नहीं जमा की करना है, सारे हुजूर गौस पाक दा लंगर खुआ होगा, गल खत्म हो गई, तूबा लिमन अतअमा जायन, गौसे पाक के दरबार पर ये बात लिखी हुई, या फरमाया आप इतने अमीर आदमी थे रोजाना आप नया सूट पहनते थे, जेड़ा सूट आपने एक बारी पाया दूजी बारी नहीं पाया। लोगों ने इतराज किया, चूंकि आप मस्जिद के इमाम भी थे खतीब भी थे, इतराज जी ये मौलवी साहब को कपड़े कितों आने थे गौस पाक के पास कपड़े, आपने फरमाया मैं जेड़ा एक बारी पा लेना ना तो मैंने रस्ते फकीर ने मिलना होंगे गरीबा ने, मैं वो ला के उन्होंने दे देना, फिर धोती तो सलूका पा के टुरना शुरू हो जाना। दौलत हो या हो, दौलत हो तो अल्लाह अपने हबीब के इश्क की दौलत अता फरमा, वेखो तुहाडे कोल दौलत आवाज दी तुसी मैनू वंड रहे हो, है तुसी अपनी दौलत मेरे वाल मुंतकिल कर रहे हो, साडे कोल है कोई दो चार लफज अदब दिन असी बखीली नहीं करते सी तुहानू सुना चाहे। अब मौलाना हसन रजा फरमाते हर बंदा अपने अपने जरफ के मुताबिक किसी को नवाजता है, और जरफ और हसनैन करीमैन हो फिर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। तो फरमाते हैं सुनो, मैं उनके दर का बिकारी हूँ फजल मौला से, मैं इनके दर का बिकारी हूँ फजल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा।
है, ये बेहतरी है कि मेरा नाम हसन रज़ा है, वरना पहले इंतखाब हुआ था अहमद रज़ा का। तो ये जो हल्का फुल्का मीठा पन है ना, ये हसन रज़ा के नाम की बरकत है, वरना आला हज़रत की गल होंगी तो फिर तो एक दो जुमे ही आप रलना सी। हाँ